ईश्वर का द्वार, धर्म का द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। ਬੜੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, DLED ਕੀਤਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਥ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੁਰਾਣ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਵੇਦ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅਕਥ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਅਬੋਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਬੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਅਕਥ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਚਿੰਤਕ। ਜਿਤਨੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਹਰਿ ਨਾਮਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਕਥ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਭਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਰਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਖੁਲਾਸਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ, ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਅੱਛਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਸੂਰਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸੂਰਿਆ ਤੋਂ ਜੋ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਲਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਸੂਰਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਹਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੂਰਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ।
सूरज तो करंत। सूरज करके जो रुत्तां बदलदियां, थितां बदलदियां, महीने बदलदे, क्रांति ते सूरज करके। जद मनुख नूं इतना बोध नहीं सी ना, तो मनुख ने दिन महीने गिणतियां दा संबंध चंद्रमा नाल जोड़िया सी। ते चंद्रमा पूरा हो गया, मास कहिंदे ने महीने नूं, पूरन मास, महीना पूरा हो गया, पूरनमासी, महीना पूरा हो गया। दिनां दी गिणती, महीनियां दी गिणती, इहदा आधार चंद्रमा सी। चंद्रमा नाल गिणदे सन, पूरनमास, पूरनमासी। बिक्रमी संवत चंद्रमा दे आधार ते बनाया गया। कोई डेटा अगे पिछे नहीं आउंदियां, चंद्रमा अपने समय सिर पूरा होंदा है, पूरनमासी अगे पिछे नहीं आउंदी। अंग्रेजी महीना अगे पिछे आउंदा है, पूरनमासी ते अगे पिछे नहीं आउंदी, ओह ते अपने ढंग नाल आउंदी है। हैरानगी हो जाती है। वह कहिंदे ने इह ते इन्हां तरीकां नाल मेल नहीं खांदा। इह ते तरीका इस वी संबंध है, हज़रत ईसा नाल जोड़िया है। ठीक है, सूरज का महीना, उन्हां दी गिणती सूरज नाल जो है चलती है। गिणती दे आधार ने गल ते सारी इतनी है, ये दो ही देवे ने, दोए दीवे चौदह हट नाले। कहिंदे ने एक ब्रह्मंड दे च एक सूरज आउंदा है, एक चंद्रमा आउंदा है, ते परमात्मा ने अरबां खरबां ब्रह्मंड बनाए ने, ते एक ब्रह्मंड दे च चौदह लोक आउंदे ने। चौदह लोग जाए बस कीने ताते कहां पले हैं, चौदह ही तबक मने ने मुहम्मद साहब ने। असि में हद कथनी करके उन्होंने बंडन लग पैंदे आ, वे तो चौदह तबक की गल करते हैं। चौदह तबक दो दीवियां दे, सूरज ते चंद्रमा, दो ही दीवे चौदह हट नाले, जे ते जी ते ते बन जा। एक ब्रह्मंड उहदे च दो दीवे सूरज ते चंद्रमा, ते फिर चौदह लोग जिथे वसों है जीव जंतु रहिंदे, उन्हां नूं मुतासर करदे ने ये सूरज ते चंद्रमा। इस वास्ते गिणती का आधार किधरे सूरज बनया, किधरे चंद्रमा बने। जिथे सूरज करके बरखा आउंदी है, फसलां पकदियां ने, उत्थे चंद्रमा करके रस पैंदा है। अगर चंद्रमा नहीं, कोई चीज़ मिठी नहीं होवे, कोई स्वादली नहीं, बेरसी चीज़ खा सकोगे? पैदा करदा है, बनांदा है सूरज, रस पांदा है चंद्रमा। ज्ञानियां नूं सूरज चंगा लग्या, प्रेमियां नूं चंद्रमा चंगा लग्या, उन्हां नूं रस चाहिदा है। प्रेमिया ने हमेशा चंद्रमा के गीत गाए ने, ज्ञानिया ने सूरज के गीत गाए ने। धन गुरु नानक का हिरदा ज्ञान नाल भरिया होया है, प्रेम नाल भरिया होया है, तो सूरज की भी महिमा, चंद्रमा की भी महिमा। नमो सूरज सूरज, नमो चंद्र चंद्र, नमस्कार है ते, तू ही चंद्रमा है, तू ही सूरज है। मुख्तसर मैं अर्ज करा, सूर्य करंत, संक्रांति, जिहड़े महीने जिहड़े बारह माह ने ना, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज ने, ये ईसवी संमत नाल ये बारह माह नहीं है, ये बिक्रमी संमत नाल। बिक्रमी संमत दे मुताबक पहला महीना चेतर दा है, चेत पहले है। कहते जनवरी से पहला करो, जनवरी ते है ना, ते चेतर है, ते चेतर मार्च दे च पैंदा, मार्च पहले चेत आएगा, मार्च दे महीने। पहला महीना बिक्रमी संवत दे मुताबक, चंद्रमा दी गिणत दे मुताबक, मैं खगोल शास्त्री नहीं हाँ, मैनू इसका कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं है, पहला महीना
चेत है। पर गजब की गल ए है, बिरगू ने चूंके मनिया से रुत्तां फित्तां दा बंदे दे तन दे उत्ते मन दे उत्ते असर पैंदा, सर्दी का अपना असर पैंदा, जे आखो नहीं पैंदा तो फिर गर्म कपड़े क्यों पाउंदे, गर्मी का अपना असर पैंदा, बचाना पैंदा गर्मी तो, बचाना पैंदा सर्दी तो, अपने आप नूं कक्कर पाले तो बचाना पैंदा, लू तो बचाना पैंदा, मौसम बदलते ने सूरज करके। तो बिरगू ने यह कहा सी, जे तन दे उत्ते सूरज ते चंद्रमा का असर पैंदा तो मन ते भी पैंदा होवेगा। इस तो लोगों ने सूरज ते चंद्रमा की पूजा शुरू कर दी। गुरु नानक का जमाना आया, उन्होंने आखे करते दी कृत ने करते नहीं ने, इन्हों सूरजां दे पिछे होर सूरज ने, फिर होर सूरज ने, फिर होर अगा महा सूरज है। इस वास्ते सानू सूरज ते चंद्रमा नाल नहीं जोड़िया, आखिया दुख सुख होंदा है अपने कर्मा करके, चंद्रमा करके नहीं सूरज करके ने। तो पहला वाक किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेल, खेड़ते कर्म दी। और अखीरला वाक महान दिवस मूरत वाले जिसको नजर करे, महीने चंगे ने दिन चंगे ने, रुत्तां चंगियां ने थित्तां चंगियां ने सारे ही चंगे ने, कोई दिन माड़ा नहीं। महान दिवस मूरत वाले जिसको नजर करे, नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। तो खेड़ आ गई कर्म दी, रुत्तां दी नहीं, थित्तां दी नहीं, सूरज दी नहीं, चंद्रमा दी। बारह माह दे भी महिमा परमात्मा की, कृत उस करते दी है, ते करते दी सिफ तो सदा करांगे कृत नूं वेख के। कृत महान है तो करता महान है, तस्वीर बड़ी महान है तो चित्रकार आपे ही महान है, संगीत की धुन महान है तो संगीतकार आपे ही महान है, कविता बड़ी उच्ची है तो कवि बड़ा महान है, कृत बड़ी महान है तो कर्ता बड़ा महान है। परमात्मा महासूरजां दा सूरज है, उसने ये सूरज बना है, उहदी कृत महान है, बड़ी हलचल है। तो साहिब कहिंदे ने कत्तक दे महीने का उपदेश, अपने दुखां लई कदी किसे नूं दोषी ना ठहराई, ते तेरे कर्मां दा दोष, कर्म बीज है, बीज दे चों ही फल निकलदा है, फल माड़ा निकलिया बीज ठीक नहीं सी, दुख निकलिया कर्म ठीक नहीं सी, दुख सुख फल है कर्म बीज है। इस वास्ते साहिब कहिंदे ने अपने दुखां लई झोली विच पए हुए फलां लई अगर दुखां दे फल पै गए ने, किसे नूं दोषी ना ठहराई, तेरे कर्मां दा दोष है जो तू कीते ने। हां जी अशुभ कर्मां विचों एक मूल अशुभ कर्म है, भैड़ा कर्म, परमात्मा नूं भुल जाना। क्योंकि जब उस नूं बंदा भुल जांदा है फिर कदम कदम ते भुलदा है, फिर सब गलती करदा है। जो ईश्वर तो भुलिया उहदा कुछ भी सही नहीं, ईश्वर जिहदी याद दे च इंज कह लो उहदा कुछ भी गलत नहीं, इंज कह लो वो तो ठीक है, वो तो ईश्वर का रूप हो जाता। ईश्वर नूं भुला के कोई मनुख सही नहीं कर सकता, उस तो भुला होन गया, भुले होए कोल भुला होन गया। परमेश्वर के भुलिया व्यापन सभे रो, अगर उसनों भुल गया तो सारे सोग संताप उसनों चंबड़न गए, सारे दुख संताप उसकी झोली छान जी। परमात्मा तो वेमुख होंदिया अनंत जन्मां दा वियोग लग जांदा है, जमदा रहिंदा है, मरदा रहिंदा है, मिलाप नसीब नहीं होंदा। हां जी पढ़ो जी। उन्हों भुला के जितने पदार्थां दे रस सन, माया दे भोग सन,
जो मिठा करके सेवन करदा रहा सब कौड़े हो गए, सब दुख रूप दे चाके प्रगट होए, जिन्हां नूं सुख जानदा सी सब दुख हो के सामने प्रगट होए। हां जी विच ना कोई कर सका किस तै होवै रोजा। रोना ते हुण रोज दा है, पर विचोला कौन बने, हुण कौन छुड़ावे, हुण कौन बचावे। करम ही सन जिन्हां ने प्रभु नाल जोड़ना सी, करम ही ने जिन्हां ने विछोड़ के रख दिता है। तो इस तरह के कर्म ते कीते नहीं, हुण विचोला कौन बने, छुड़ावे कौन। आओ दुख ते सहने पैणगे, भोगने पैणगे। हां जी जिहड़ा कर्म असी करदे हां उहदा संस्कार बन जांदा है, कर कर करना लिख ले जा। जो असी करदे हां अंदर उहदा संस्कार बन जांदा है, लिखिया जांदा है। करना बीज है, गोड़ देता है, ते गोड़ देता हुण अंकुरित होवेगा ते फलीभूत होवेगा। कर देता है तो संस्कार बनेंगे, संस्कार बने ने तो इहदे च दुख सुख पैदा होंगे। साहिब इत्थे कहिंदे ने जो दुर्दरगाओ लिखिया, जो प्रभु ने विधान बनाया, हुण इस नूं कोई मेट नहीं सकदा, इहदे च कोई विचोला नहीं हो सकदा, इहदे च कोई सहायक ते मददगार नहीं हो सकदा। हां जी कोई ऐसा भाग ऐसा हिस्सा होवे प्रभु दा, मिलाप हो जाए तो ये सारे वियोग दुख संताप दूर हो जान, मिट सकते ने, खत्म हो सकते ने। हां जी नानक को प्रभु राज ले मेरे साहिब बंदी मो। अरदास करदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, हे प्रभु नानक नूं अपने कदमां विच रख ले, चरणां विच रख ले, तू सारे दुखां दे बंधनां दे तोड़न वाला, तू सारे जन्म मरण दे बंधनां दे तोड़न वाला। हां जी सतत होवै साध संग बिन सहज सते सो। अगर कत्तक दा महीना सत्संग विच बतीत होवे, प्रभु दी याद विच बतीत होवे, तो सुखां दे फुल फल नाल चोली भर जांदी है, महीना आनंद नाल बतीत होंदा है, जीवन आनंदमई हो जांदा है। इतनियां विचारां प्रवान करनियां, सारिआं दा धन्नवाद, असीस बख्शनी, बुल चुग दी शमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।